हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि वीडियो किस चीज़ को लेकर के है, तो आज की जो वीडियो है वो एनआईओएस की एग्ज़ाम फ़ीस को लेकर के है। जो बच्चे अपनी एनआईओएस की एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट नहीं कर पाए हैं, वो किस तरह से अपनी एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, उनके बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर, हम अपनी एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट नहीं कर पाए तो क्या आप कर सकते हैं, क्या हम अप्रैल में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, क्या कोई इसका सॉल्यूशन है। प्यारे बच्चों, आपके जो भी सारे क्वेश्चंस के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या जो भी डाउट्स हैं, तो इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बात करते हैं, देखो, अब एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एनआईओएस के जो एग्ज़ाम हैं वो 2 बार होते हैं, एक बार अप्रैल में और एक बार आपके अक्टूबर वाले में। अगर हम बात करें अप्रैल 2020 की, तो अप्रैल 2020 की एग्ज़ाम फीस जो स्टार्ट हुई थी वो 21 नवंबर से स्टार्ट हुई थी आपकी, और 10 जनवरी तक लेट फीस के साथ जमा हुई थी। 10 जनवरी को लेट फीस के साथ, लास्ट में जो लेट फीस आपकी जमा हो रही थी वो 1500 रुपये लेट फीस के साथ जमा हुई थी। वैसे तो ये 21 नवंबर से लेकर के आपकी 25 दिसंबर तक बिना लेट फीस के साथ स्टार्ट हुई थी। 25 दिसंबर से फिर स्टार्ट हुई थी आपकी 3 जनवरी तक, जब तक आपकी 100 रुपये लेट फीस लगी थी, और उसके बाद फिर आपकी 10 जनवरी तक जो जमा हुई थी उसमें आपकी 1500 रुपये लेट फीस जमा हुई थी। इसके बाद भी 10 जनवरी के बाद भी 2 बार लिंक ओपन हुआ था, और उसके बाद भी ये एग्ज़ाम फीस आपकी सबमिट हुई थी 1500 रुपये लेट फीस के साथ। लेकिन जो बच्चे अभी एग्ज़ाम फीस सबमिट नहीं कर पाए, वो अब क्या करें, क्या वो अप्रैल में एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या अब दोबारा से अपनी एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट कर सकते हैं वो बच्चे अप्रैल एग्ज़ाम 2020 के लिए? नहीं, बिल्कुल अब उनकी एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट नहीं हो सकती और वो बच्चे अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो अब उनको क्या करना चाहिए? देखो, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपकी जो एग्ज़ाम है वो आप दोबारा से एग्ज़ाम 2020 में ही दे सकते हो, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो अक्टूबर में होंगे, और अक्टूबर की आपकी जो एग्ज़ाम फ़ीस होगी वो आपकी 20 मई 2020 तक हो, 20 मई 2020 से स्टार्ट होगी और 20 जून 2020 तक होगी बिना लेट फीस के साथ। हर साल लगभग ये 20 मई से स्टार्ट होती है, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, उसमें कोई ऐसे बड़ा इशू नहीं है। तो आपके जो मई अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे और दिसंबर में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आप अपनी 10वीं और 12वीं इसी साल 2020 में आप कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा अवसर है। तो पहले आपको अक्टूबर की अपनी एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। अब अक्टूबर की एग्ज़ाम फ़ीस आपको मई में सबमिट करनी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 10वीं और 12वीं 2020 में ही अपनी पूरी कर लोगे। अब देखो, कुछ बच्चों के डाउट्स ये रहते हैं कि सर, हमारी स्ट्रीम चेंज होगी, आई कार्ड दूसरा आएगा क्या, या हमारी बुक्स दोबारा आएंगी, सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये इस तरह के बहुत सारे डाउट हैं, कोई तो बच्चों को प्रॉपर इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं चेंज होगा। देखो, सबसे पहले बात करें इसमें 2 स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2। आपकी चाहे कोई सी भी स्ट्रीम हो, आपकी कोई स्ट्रीम चेंज नहीं होगी, बस आपको एग्ज़ाम फीस सबमिट करनी है और अपने एग्ज़ाम देने हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कोई भी स्ट्रीम चेंज आपकी नहीं होगी। दूसरी चीज़ यह है, कुछ बच्चे सोचते हैं सर, क्या हमें दोबारा अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एग्ज़ाम फीस सबमिट करनी है, ओनली एग्ज़ाम फीस, कोई रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, बस आपकी एग्ज़ाम फीस सबमिट होगी, आपको केवल एग्ज़ाम फीस सबमिट करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, क्या आई कार्ड चेंज होगा? नहीं, कोई आई कार्ड चेंज नहीं होगा, जो आपके पास पहले से ही आपके पास आपका आई कार्ड है, वही आई कार्ड आपका चलेगा। आप अपने
जो आपके आप एनआईएस की साइट से अपना जो आपने आई कार्ड डाउनलोड किया था, जो आपने आई कार्ड अपना प्रिंट निकाला है, वही आई कार्ड चलेगा, और उसी आई कार्ड की लेमिनेशन करा के रख लें। 5 साल तक आपका वही आई कार्ड चलेगा, आप कितनी बार भी एग्ज़ाम दो, चाहे अप्रैल में दो, अक्टूबर में दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आई कार्ड चेंज नहीं होगा। कुछ बच्चों का डाउट्स ये था कि सर जो है सिलेबस चेंज होगा? नहीं, कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा बेटा, जो आपका सिलेबस था वही ही सिलेबस रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग पेपर आएगा, कोई सिलेबस चेंज आपका नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, इस बार आपको एग्ज़ाम फीस बेटा अपनी टाइम पर सबमिट करनी है, क्योंकि अगर आपने अक्टूबर की एग्ज़ाम फीस सबमिट नहीं करी अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए, तो आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। कुछ बच्चों का डाउट ये था कि सर हमने एडमिशन के टाइम पर तो पैसे जमा किए थे, क्या दोबारा जमा करने पड़ेंगे? देखो, इसके अंदर आपको 2 बार फीस सबमिट करनी होती है। एक बार जब आप एडमिशन लेते हो, जब फॉर्म भरते हो, तो वो होती है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, तो वो होती है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, और इसके बाद आपकी दोबारा फिर सबमिट होती है, वो होती है आपकी एग्ज़ाम फीस। तो ये एक होती है एग्ज़ाम फीस और एक होती है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन तो आपका पहले ही हुआ है एडमिशन, तो बात तो बस केवल अब एग्ज़ाम फीस की है, तो आपको केवल एग्ज़ाम फीस सबमिट करनी है। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर टीएमए का क्या होगा? कुछ ने जो है टीएमए अपने बना लिए हैं, कुछ ने सबमिट करवा दिए स्टडी सेंटर पे जा करके। देखो, जो टीएमए हैं आपको, टीएमए आपको बनाने पड़ेंगे और टीएमए आपको सबमिट करने पड़ेंगे। जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जैसे जिन बच्चों ने 2019 अक्टूबर में एग्ज़ाम दिए थे और उन बच्चों की कंपार्टमेंट आ चुकी है या बैक आ चुके हैं, थ्योरी में फेल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल में फेल हो चुके हैं, तो उनके अगर असाइनमेंट पहले से ही सबमिट हैं तो उनको कोई भी असाइनमेंट सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको असाइनमेंट अपने जमा कराने पड़ेंगे, दोबारा से उनको अपने उनको असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, और अपने उनको जो असाइनमेंट बनाने के बाद अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आपको असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाते, कहाँ से क्वेश्चन चाहिए उनके आंसर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट का टीएमए चाहिए, तो हम आपको टीएमए प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद कुछ बच्चे कहते हैं कि सर प्रैक्टिकल फाइल बनानी है या नहीं बनानी? तो देखो, अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल फाइल की, जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे अक्टूबर में, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उनको प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी। वैसे प्रैक्टिकल फाइल हर सब्जेक्ट में नहीं होती, अगर आपने प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट लिया हुआ है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी, और अगर आपने प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट नहीं लिया तो आपको प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनानी। आपको ये डाउट है कि सर मेरे पास कौन किस में प्रैक्टिकल है नहीं है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है आपका और कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है। और रही बात, देखो टीएम में आपके हर सब्जेक्ट के सबमिट होते हैं, प्रैक्टिकल आपके हर सब्जेक्ट के नहीं होते। तो ये आपके कुछ डाउट्स थे जो हमने अच्छी तरह से, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। दूसरी चीज़ ये है, देखो आपको टीएम में प्रैक्टिकल फाइल या इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो एनआईएस में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं 10th और 12th में, तो हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाई हुई हैं, एनआईएस के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ भी हमने बनाई हैं। अगर आपको और चैप्टर्स या और चैप्टर्स की आपने सब्जेक्ट के चैप्टर्स की और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और इसके अलावा हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाई है, तो आप उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी देख सकते हो। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हो। और जो है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको आप लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी।